नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन शर्मा स्वागत करती हूं आपका आज के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ फिल्मी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, फिल्मी सितारे हमारे योगेंद्र टीकू जी, जिन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से किरदार निभाए हैं। और सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस प्रोग्राम में। सर, हमारा पहला सवाल आपसे यही होगा कि सर, आपने आपका बहुत बचपन से दिलचस्पी थी थिएटर में, तो सर आपने इतने सालों बाद आप फिल्म्स में क्यों आए, इतना समय कैसे? एक्टिंग के साथ साथ मैं डेफिनेटली म्यूजिक सीखता था, क्लासिकल हिंदुस्तानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत सीखता था मैं, और श्रीमती सरोज गुंदानी नाम है उनका, अभी भी हैं वो लेकिन अमेरिका में हैं अभी। और मैं स्टेज शोज करता था, म्यूजिक अपनी नाइट्स करता था, मैं गज़ल के शोज करता था, फिल्म सॉन्ग्स के शोज करता था, और मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में किए हैं वो तो। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब एक्टिंग करने लगा तो फिर धीरे धीरे वो संगीत का रियाज छूटता चला गया, और फिर ऐसा लगने लगा कि चलो ठीक है भाई, अब ज़्यादा समय रियाज में न लगा कर मैं एक्टिंग में करूं। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं तो म्यूज़िक ने बैक स्टेप ले लिया और मैं सर, जैसा कि आपका संगीत में भी बहुत रुचि थी तो आपने संगीत भी सीखा श्रीमती सरोज गुंजवानी जी से अहमदाबाद में, तो आपका ये संगीत भरा सफ़र कैसा रहा? रिसर्च तो आपने कर ली है भाई, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली एक्टिंग के साथ साथ मैं डेफिनेटली म्यूज़िक सीखता था, क्लासिकल हिंदुस्तानी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में शास्त्रीय संगीत सीखता था मैं, और श्रीमती सरोज गुंदानी नाम है उनका, अभी भी हैं वो लेकिन अमेरिका में हैं अभी। और मैं स्टेज शोज करता था, म्यूज़िक अपनी नाइट्स करता था, मैं गज़ल के शोज करता था, फिल्म सॉन्ग्स के शोज करता था, और मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में किए हैं वो तो। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब एक्टिंग करने लगा तो फिर धीरे धीरे वो संगीत का रियाज छूटता चला गया, और फिर ऐसा लगने लगा कि चलो ठीक है भाई, अब ज़्यादा समय रियाज में न लगा कर मैं एक्टिंग में करूँ। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं तो म्यूज़िक ने बैक स्टेप ले लिया और मैं एक्टिंग में। सर, जैसा कि आप अफ्रीका में भी आठ से दस साल रहे, आप वहाँ पे आपने बहुत से स्टेज शोज किए, तो आपका वहाँ का सफ़र कैसा था, वहाँ आपने कौन सी दिक्कतों का सामना किया? नहीं, बल्कि मैं कहूँगा मुझे कोई दिक्कत वहाँ नहीं हुई। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी और ये सब जो थे उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहाँ पे प्लेज होते थे पहले भी, और मैं वहाँ उन्हीं संस्थाओं के साथ जुड़ गया, और किस्मत अच्छी थी कि अच्छे लोग मिले, अच्छे साथी मिले। फिर मैंने लिखना शुरू किया, मैं डायरेक्ट करना शुरू किया, एक्टिंग करता था और इंग्लिश थिएटर करता था, पंजाबी गुजराती सब करता था मैं, तो मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और वेरी रिसेप्टिव ऑडियंस, और इंडियन कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा थी इसलिए सब लोग आते थे, एनकरेज भी करते थे, देखते थे। सर, जैसा कि फिर आप वहाँ से अफ्रीका से वापस आए और आपने इंडिया में आकर 9 से 5 जॉब भी करी, और उसके साथ आपने अपने एनहांसमेंट में ध्यान दिया, आपने डीडी उर्दू में काम किया, दूरदर्शन में काम किया और रेडियो में और टेलीफिल्म्स के साथ भी आप जुड़े रहे, तो आपका ये सफ़र कैसा था और आपने वहाँ क्या क्या चीज़ें सीखी? सीखने का तो क्या है कि सीखने का अंत नहीं है, सीखना तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। आप लोग इतना अच्छा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं नहीं ले सकता इतना अच्छा इंटरव्यू, तो सीख तो अभी मैं रहा हूँ सब लोगों से। बाकी ये है कि जैसा मैंने बताया कि सफ़र में हर बहुत सारे पड़ाव आते हैं, कहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं, कहीं पे थोड़ा चलते हैं, फिर कहीं आराम करते हैं, फिर कहीं पे धूप, कहीं पे छाँव। तो मैंने भी जब वहाँ से लौट के आया तो घर था, गृहस्थी थी, तो इसके ऊपर डायरेक्टली हम डिपेंड नहीं कर सकते थे, तो मैंने नौकरी करी एंड
उसके साथ साथ मैंने थिएटर अपना शौक जो था मुझे, मैंने वो कभी नहीं छोड़ा। तो उस समय फिर दूरदर्शन की अवेलेबिलिटी थी, उसमें मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे चैनल्स आने शुरू हुए, तो मैंने चैनल्स में काम करना शुरू किया, सीरियल्स बनने लगे, सीरियल्स में काम करना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली प्रोसेस जैसे बताया कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती गई, फिर उसके बाद चैट्स मिले, फिर फिल्म्स मिलनी शुरू हुई और फिल्म्स में भी करना शुरू किया। सर, जैसे आपने बहुत सी फिल्म्स में काम किया, नीलजा हुई और परमाणु हुई, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, मैं फिल्में बहुत सोच समझ के करता हूँ, मैं हर फिल्म में नहीं घुस जाता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। तो शायद अब उसको आप बेन कहिए या बून कहिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे सेटिस्फाइड रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फिल्म्स करता नहीं हूँ कुछ, और मैंने, गॉड हैज़ बीन काइंड, मैंने जितनी भी फिल्म्स करी हैं वो सब दे हैव ऑल बीन वेरी सक्सेसफुल, और उसका कारण सिर्फ यही है कि मैं बहुत सोच समझ के फिल्म लेता हूँ हाथ में। तो नेचुरली जब आप अच्छी स्क्रिप्ट से जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, तो आपकी एक्सपीरियंसेस अच्छी होती हैं, और जब आपकी एक्सपीरियंसेस अच्छी होती हैं तो आपको मज़ा आता है काम करने के लिए। और मैं काम ही मज़े के लिए करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बोझ अगर बन जाए आपके ऊपर तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। और मैं एक्टिंग का मज़ा लेना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग को बोझ नहीं समझना चाहता, बस। जी सर, जैसा कि मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि हमारा यूथ, जो हमारे युवा हैं, वो हार मानकर बैठ जाते हैं कि थिएटर में अब काम नहीं बन रहा है तो अब हम इसे छोड़ देते हैं और कुछ और करते हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो आगे बढ़कर काम करें और इसको ना छोड़ें? ये बड़ा अजीब, मतलब सवाल ख़राब नहीं है, सवाल सही है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे मैंने आपको बताया, थिएटर मैंने छोड़ा नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट मेरी अपनी मजबूरियाँ थी, तो नौकरी भी करनी पड़ी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए ट्रेन हो रहे हो तो आप उसको छोड़ना फिर आपका बनता नहीं है। मैं तो पर्टिकुलरली इसके लिए ट्रेन नहीं हुआ था, ये मेरा शौक था जिसको मैं नर्चर कर रहा था, जिसको मैं बढ़ा रहा था। तो ऐसी समस्याएँ यंगस्टर्स के लिए बहुत हो सकती हैं, जिसमें कि उनको सडनली घर गृहस्थी देखनी पड़े, कुछ और करना पड़े, उनको पैसे की ज़रूरत हो इमीडिएटली, तो उनको साथ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट अपने शौक को ख़त्म करना, आई वुड नॉट से कि ये सही है। और ये लाइन ऐसी है, ये लाइन पर्टिकुलरली ऐसी है कि जिसमें आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पास धैर्य होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए कि भाई मुझे यही करना है और मैं कर लूँगा, चाहे वो 5 महीने में हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 17 साल लग गए एस्टेब्लिश होने में। सो हर कोई अपनी अपनी जगह से अपनी जर्नी कर रहा है, जर्नी बंद करना इज़ नॉट द ऑप्शन, जर्नी पे चलते रहना इज ऑप्शन एंड एंजॉय दैट वॉक, सिंपल सी। सर, जैसे कि हम मास कम्युनिकेशन फील्ड में है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी हमारी युवाओं को जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे बताएंगे कि इस फील्ड में क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ कि आज मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था कि मास कम्युनिकेशन कोई बड़ी भारी चीज़ थी, हमको समझ में नहीं आता था कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं था, हम जाते इंजीनियर बना देते थे या डॉक्टर बना देते, मैं भी इंजीनियर बन गया। वो और कोई तरीका नहीं था, मतलब मुझे याद है मैंने बीकॉम के लिए अप्लाई किया तो मेरे पापा ने बोला कि क्या बीकॉम करोगे, तो मैंने इंजीनियर बनो ना, तो उस समय इतने ऑप्शंस नहीं थे। आज तो मास कॉम बहुत वास्ट हो गया है, इसमें इतने सब डिविजन्स हैं कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, जर्नलिज्म भी इसका एक पार्ट ऑफ है, एक्टिंग भी एक पार्ट है इसका, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि आप कर सकते हो। जो चीज़ आपको पसंद आए, आपके सामने थाली रखी हुई, आपको खिचड़ी पसंद आती खिचड़ी खाइए, बिरयानी पसंद आती बिरयानी खाइए, लेकिन लगे रहिए, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लगे रहिए, जो भी आपको पसंद है उसको आप सिलेक्ट करिए, देन इट इज़ योर चॉइस एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये नहीं कि आप यहाँ भी लगे हुए, वहाँ भी लगे हुए, वहाँ भी लगे हुए, वहाँ भी लगे हुए, तब कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए।
करना वो चाहिए जिसके जो जिसके लिए आप संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड। सर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है आपसे, अपनी इतनी बड़ी अच्छी दिलचस्प लाइफ का एक छोटा सा दिलचस्प किस्सा हमारे साथ शेयर करेंगे। किस्सा तो बहुत, मतलब मुझे ऐसा अचानक से कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, बहुत बहुत सारे किस्से हुए हैं। जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा और बहुत आपने बहुत कुछ, मैं तो अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करता हूँ, इसलिए मुझे तो ऐसा ये समझ में नहीं आएगा कि मैं पर्टिकुलर किस मोमेंट को बोलूँ कि हाँ जी ये सबसे अच्छा मोमेंट था। बट मैं आई वुड से कि व्हेन आई मेट शाहरुख खान फॉर द फर्स्ट टाइम आई लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आया उसके साथ, वो इज़ अ वेरी नाइस स्वीट पर्सन और बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करने के। तो मतलब आई हैड नॉट थॉट कि वी विल वर्क टुगेदर। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि शबाना जी, एक ज़माना था मैं कश्मीर गया था, आई यूज़ टू विजिट कश्मीर वेरी ऑफन क्योंकि मेरी फाइव सारी फैमिली वहीं थी, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी और शबाना जी और शशि कपूर जी शूट कर रहे थे फिल्म फकीरा का एक गाना वहाँ पे। सो बिलीव मी आई वेंट देयर, और मैं शबाना जी का बहुत बड़ा फैन था उस समय क्योंकि मैंने उनकी बड़ी सारी फिल्म अंकुर वंकुर ये सब देखी थी। मैं वहाँ गया और मैंने देखा वहाँ पे सब लाइट्स वाइट ये सब लगी हुई हैं, ऐसे ही कुछ छतरियाँ वतरियाँ लगी हुई हैं। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा अच्छा शूटिंग हो रही है, घुस गया बात देखा उनको, वो तो बैठे थे दोनों अपना अपना कुछ कर रहे थे काम। तो मैं एक पर्टिकुलर बुक बाज़ार से ख़रीदी और जाके शबाना जी से और शशि कपूर जी से मैंने ऑटोग्राफ लिया। वो शबाना जी का ऑटोग्राफ आज भी मेरे साथ है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि उस समय सोचा नहीं था, बट शी प्लेड माई वाइफ इन निर्जा, तो दैट वॉज अ हाई फॉर मी कि और मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा आपको मालूम है मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिया हुआ है और आज मैं आपके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। ये लाइन बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं होता है कि कौन कहाँ क्या पहुँच जाए, क्या पता ऐसे तीन साल चार साल बाद आप आज ज़बरदस्त दबंग तरीके से मेरे को बुलाएं और कहें कि आओ जी आओ आपका इंटरव्यू लेते हैं आज हम। सो जीवन का पता नहीं होता, सो इट कैन हैपन एनीथिंग। आई थिंक दोज आर द बेस्ट मोमेंट्स। इस रोमांचक इंटरव्यू के साथ हम योगेंद्र तिकू जी से अलविदा लेंगे इनसे, और आगे आप जुड़े रहिए IMS न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।